पहले छात्रों चलिए हम लोग फिर से मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज में पिछले क्लास में हम लोग 9 तक के सॉल्यूशन करने के लिए दिए थे, तो बहुत सारे छात्रों ने किए भी हैं, तो बहुत सटीक आंसर किए हैं, यूके पावर भी लगा है। तो चलिए अब 9 से आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 का सॉल्यूशन है, आप देख पा रहे होंगे कि एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है और टिपिकल सवाल है, इसलिए हम इसको मानते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकेंड पार्ट, राइट। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, तो आप सबसे पहले करेंगे फर्स्ट को, फिर करेंगे सेकेंड को। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा उसको और फिर सेकेंड का आंसर आएगा उसको, दोनों को एक साथ मिला देंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट से अगर चल रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसका इसके लिए डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो जरा समझिएगा। नीचे वाला जो आधार है उसको मान लीजिए यू और इसको मान लीजिए भी, तो यू के पावर भी पे आ रहा है। अब जरा यू के पावर भी पे आ रहा है तो इसको फार्मूला पे तोड़िए, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स, यू के पावर भी हो गया, फिर भी बटा यू, भी बटा यू का मतलब एक्स कॉस एक्स बटा एक्स। तो ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, हालांकि बाद में काटेंगे, अभी फार्मूला पे पुट कीजिए एक्स कॉस एक्स बटा एक्स। यू का डिफ्रेंसिएशन क्या है छात्रों, यू का डिफ्रेंसिएशन, तो यू का डिफ्रेंसिएशन का मतलब डी एक्स बटा डी एक्स, फिर प्लस लॉग यू लिखा जाता है, तो यू के जगह पे कितना एक्स, तो यहां हो जाएगा एक्स, फिर इंटू डीवी बाय डी एक्स, तो डीवी बाय डी एक्स का मतलब डी एक्स कॉस एक्स बटा डी एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों का ये टूट रहा है। चलिए अब इसके आगे का काम करते हैं, क्या बनेगा, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स, तो वो तो रहेगा ही, यहां एक्स और एक्स कट गया और डीएक्स बाय डीएक्स का वैल्यू 1, तो 1 को कॉस एक्स से गुणा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स, प्लस ये लॉग एक्स है तो ये तो रहेगा ही लॉग एक्स। अब जरा समझते हैं अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे किया जाए। प्यारे छात्रों यहां पे x इंटू कॉस एक्स है, तो u इंटू भी का फार्मूला यहां लगने वाला है, क्योंकि x में फंक्शन है और कॉस एक्स अलग फंक्शन है, दोनों गुना में है, तो इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v। यानी कि प्यारे छात्रों यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस है। बहुत सारे लोग x को बाहर निकालेंगे, कभी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट थोड़े ना है, इसलिए यहां पर यू इंटू भी का फार्मूला, यानी कि अब यहां पर भी मामला आपको अलग हो गया। यहां u इंटू भी का फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो u को बाहर निकालेंगे, भी का डिफरेंसिएशन तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, प्लस कॉस एक्स को बाहर निकालिए तो भी का डिफरेंस, u का डिफरेंसिएशन डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि u को बाहर करेंगे भी का डिफरेंसिएशन और भी को बाहर करेंगे u का डिफरेंसिएशन, तो ये हम लोग को हो गया। चलिए यानी कि अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं और फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन को फिर से मिटाते हैं और फिर से करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट का ही चल रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में आगे लिखेंगे एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स तो कॉस एक्स, प्लस लॉग एक्स तो लॉग एक्स का इंटू में है इतना सारा क्या, तो एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंसिएशन 1, तो यहां 1 लिखेंगे या फिर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का ये आ रहा है, जरा इसको अच्छे से लिख लेते हैं तो क्या बनेगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। जरा फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात करें तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कुछ इस तरीके से है, कॉस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। तो इसको हम लोग उस तरीके से इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब समझिए कि क्या हम लिखना चाह रहे हैं। यहां पर कॉस एक्स तो ऑलरेडी कॉस एक्स है, फिर प्लस
अब ये log x को इसके साथ भी गुना करेंगे, log x को इसके साथ भी गुना करेंगे और इसी log x को cos x के साथ भी गुना करेंगे, क्योंकि log x के अंदर में ना है ये, तो इस जैसे कि आप कैसे लिखते हैं x और x प्लस टू को लिखता है ना, इसके इसके साथ गुना करते हैं, वैसे ही इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहां x sin x log x, तीनों को गुना करेंगे तो x sin x log x और फिर प्लस 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 log x cos x, तो यहां हो जाएगा log x फिर cos x। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट का आंसर। जरा फिर से देख लेते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट में जो है वो है cos x, फिर वन प्लस log x माइनस x cos x। अच्छा एक मिनट, अब हम लोग को आंसर जो दिया है वो इसको, यानी कि ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें से cos x को कॉमन कर लेंगे, तो यहां पे बन रहा है x ax cos x। अब यहां पे क्या, तो cos x और cos x जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पे 1 और यहां पे प्लस log x, समझ में आ रहा है, ये cos x और ये cos x जब कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 1, यहां से प्लस log x, और इसको एज इट इज, इसको जस का तस पीछे उतार देंगे ax sin x log x। तो इस तरीके से हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, आप आंसर भी देख सकते हैं। हालांकि जब भी हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो इसको और जो अब आएगा उसको भी हम लोग काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट। तो इसको फिलहाल ऐसे ही हम लोग यहां पे छोड़ देते हैं ताकि इसका फिर से यूज होगा आंसर लिखने में। तो ये फर्स्ट पार्ट है, अब फर्स्ट पार्ट को छोड़कर अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम क्वेश्चन देख लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब चलिएगा नीचे लिखिएगा फ्रॉम, इसको करने के बाद फ्रॉम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है सवाल, तो डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको करना है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो इसको करेंगे ऊपर वाला हो गया यू और नीचे हो गया भी। तो यू बाय भी का फॉर्मूला ये होता है कि पहले भी का स्क्वायर कर लो नीचे, तो v का स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर क्या बोलता है फार्मूला कि v को बाहर करो, तो v को हम जैसे ही बाहर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वन, u का डिफ्रेंसिएशन करो तो u का डिफ्रेंसिएशन x स्क्वायर माइनस वन बट्टा dx, फिर माइनस करो u को बाहर निकालो तो x स्क्वायर प्लस वन को बाहर निकालिए, v का डिफरेंस सॉरी v को डिफरेंस बाहर निकाला u का डिफरेंसिएशन, u को बाहर निकालेंगे भी का डिफरेंसिएशन, बहुत बढ़िया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई डी एक्स। आगे करते हैं तो नीचे क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। अब ये तो ऑलरेडी बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑलरेडी बाहर है, जरा इसका डिफरेंसिएशन देखते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वन का जब डिफरेंसिएशन करना होगा तो क्या प्यारे छात्र, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स माइनस डी वन बाई डी एक्स। अब इसका क्या होगा, तो पावर में दो है तो पहले आ जाएगा, आधार x है, दो में से एक गया एक माइनस जीरो, क्योंकि वन का डिफरेंसिएशन, तो कुल मिलाकर इसका डिफरेंसिएशन क्या होगा, तो टू एक्स, तो यहां पे लिख दिया टू एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका भी डिफरेंसिएशन प्यारे छात्रों टू एक्स ही होगा, जैसे हम यहां पे किए हुए हैं, आप ब्रैकेट में लिख के सवाल में जो इसका इसके नीचे ये दिखा सकते हैं कि इतना का डिफरेंसिएशन इतना हुआ, इसलिए हम यहां पे पुट कर रहे हैं टू एक्स, जैसे कि हम यहां पे लिखा है। आप दिखा भी सकते हैं, अगर आपके अंदर में माइंड में ये कैलकुलेशन है तो छोड़ भी सकते हैं। तो अगर आगे का बात करें तो इस टू एक्स को एक्स क्यू के स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टू एक्स क्यू बनेगा और यहां बनेगा माइनस टू एक्स, और इसको अगर गुना करेंगे टू एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ तो बनेगा माइनस टू एक्स क्यू और माइनस टू एक्स बाई कितना, बारी बारी से मतलब मैं करना है, ये माइनस था
तो माइनस टू एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ टू एक्स क्यूब, ये माइनस प्लस माइनस टू एक्स को वन के साथ। यहां पे देख पा रहे होंगे ये और ये कट रहा है और नीचे वही का वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आने वाला है जरा देख लेते हैं। तो अभी सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को हम मिटाने रहे हैं ताकि हमें काम का है। जरा देख लेते हैं सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो कैसे दिया है। सेकेंड पार्ट का आंसर दिया है बिल्कुल सही आ रहा है हम लोग का, ये माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स कितना हो गया पहले छात्रों माइनस फोर एक्स बटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये सेकेंड पार्ट का है। अब फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना है। अच्छा ये गलती हुआ है प्यारे छात्रों, वहां पे y नहीं माने हैं तो आप बिल्कुल वहां पे y मान लीजिएगा कि लेट y बराबर इतना प्लस इतना, मतलब जो सवाल था इसके वाला उसका उतना प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन। dy बाई डी एक्स का हम क्या आंसर करेंगे, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये आया है तो इसको लिख लेंगे और सेकेंड पार्ट का आंसर हमें ये आया है, ये देखिए सेकेंड पार्ट का है। तो अब आंसर लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट का ये, तो x के पावर एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स फिर प्लस है तो यहां प्लस करेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे माइनस फोर एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। और यहां पे प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो इतना माइनस फोर एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जरा 11 नंबर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन उसको देखते हैं। तो ये जब भी क्वेश्चन अगर बड़ा है ना प्यारे छात्रों उसको दो पार्ट में तोड़ लिया कीजिए और फिर हम लोग को सॉल्यूशन में आसानी पड़ता है। ऐसे आप आंसर भी मैच कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट का कितना आया है सेकेंड पार्ट का कितना आया है। प्यारे छात्रों अब अगला क्वेश्चन 11 है, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स, 11 में एक्स कॉस एक्स है एक्स साइन एक्स है, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स के पावर वन बाई एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, जैसे कि अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आपको यहां पे भी, सबसे पहले वहां पे वाई नहीं माने थे छूट गया था वाई मान लीजिएगा, लेट वाई बराबर मान लीजिएगा एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स एक्स साइन एक्स के पावर वन बाई एक्स। अब इसके आगे करना क्या है आपको, इसको मानना है फर्स्ट पार्ट और इसको मानना है सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले चलिएगा फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या है एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स। हम आपको हिंट्स दे देते हैं कि सवाल को कैसे करेंगे, एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स है तो यहां पे एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स लिख लीजिएगा। अब इसका यू बाय यू के पावर भी है, यू के जगह पे हो गया नीचे वाला और भी के जगह पे हो गया ऊपर वाला। तो यू के पावर भी का फार्मूला क्या है कि यू के पावर भी लिखो यानी कि एक्स कॉस एक्स के पावर एक्स फिर ब्रैकेट भी बटा यू लिखो तो भी बटा यू का मतलब एक्स बटा एक्स कॉस एक्स फिर इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यू का डिफ्रेंसिएशन प्यारे छात्रों, यू का डिफ्रेंसिएशन का मतलब एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस लॉग यू, लॉग यू का मतलब एक्स कॉस एक्स लॉग के अंदर रहेगा एक्स और कॉस एक्स फिर इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स का मतलब डी एक्स बाई डी एक्स। इस तरह से हम लोग को आएगा। अब प्यारे छात्रों जैसे हम लोग फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं वैसे ही सेकेंड पार्ट को करना है। जरा आप समझिए यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्स एक्स कट जाएगा, लेकिन यहां पे जो है ना प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पे क्या आएगा आपको जरा समझिएगा, वन बाय कॉस एक्स आएगा और ये तो ब्रैकेट रहेगा। ये देखिए हमेशा जो काम करना है ना वो कहां ब्रैकेट देना है कहां नहीं देना है वो समझिए, ये ब्रैकेट तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, ये चूंकि सब में सबके आगे है ना, ये सबके आगे होता है
यानी पूरा का आगे इसको रखना है, तो सभी ये चीज गुना में रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, इसका तो कट के वन बाई कोस एक्स आएगा, अब इसका फार्मूला किस पे बनेगा, यू इंटू वी पे, ऐसे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि गुना है, तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे वो ब्रैकेट में करके लिखेंगे, यू को बाहर भी का डिफरेंशिएशन प्लस भी को बाहर यू का डिफरेंशिएशन, और जो करके आएगा फिर वन बाय कोस एक्स को बारी बारी से गुना करना है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए, प्लस लॉग, अब इसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे, लॉग के अंदर एक्स कोस एक्स, तो इसको तो कोई छेड़खाना नहीं करना है, एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट का करेंगे वैसे ही सेकेंड पार्ट का करेंगे, तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा, फाइनली दोनों को एड कर देंगे डीवाई बाई डी एक्स। तो इस तरीके से एक हिंट्स के तौर पे 11 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको भी बिल्कुल अपने तरीके से ट्राई कीजिए और फिर आंसर मैच कीजिए, अगर आंसर मैच नहीं करता है तो ग्रुप में सेंड कीजिए, हम क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या सही है या फिर कितना सही है या फिर और क्या होना चाहिए था। चलिए 11 उम्मीद है कि बन जाएगा क्योंकि अभी हम लोग यूके पावर भी पे बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, तो उसी प्रकार का ये भी है, बशर्ते आपको थोड़ा सा पावरफुल होना पड़ेगा और फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है प्यारे छात्रों, 12 से पहले ऊपर एक क्वेश्चन है, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवेन इन एक्सरसाइज 12 से 15। प्यारे छात्रों 12 से लेकर 15 तक के सवाल में आपको डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। अब डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो हम 12 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं, अब 12 नंबर जैसा क्वेश्चन बता देंगे तो आपको खुद बनाने का प्रयास करना है 13, 14, 15, यानी कि हम 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं और 13, 14, 15 आपको घर से प्रैक्टिस करना है। अब 12 नंबर सवाल क्या है, एक्स के पावर वाई प्लस वाई के पावर एक्स बराबर 1, ये डिफरेंशिएशन, हमको डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो जब कभी भी अगर बराबर रहता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करते हैं, तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यहां हो जाएगा डी एक्स के पावर वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई के पावर एक्स बाई डी एक्स डी वन बाई डी एक्स। अब आगे बढ़ेंगे तो अब आपके पास वही फार्मूला यू के पावर भी का फार्मूला क्या होता है, यू के पावर भी लिखो, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यू के पावर भी फिर ब्रैकेट दो भी बटा यू लिखो, तो हम वाई बटा एक्स लिख दीजिए इनटू यू का डिफरेंशिएशन मतलब डी एक्स बाई डी एक्स प्लस लॉग यू लिखो, तो लॉग यू का मतलब लॉग एक्स, फिर भी डी भी बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर ब्रैकेट करो, फिर प्लस तो प्लस करेंगे, अब फिर से y के पावर x है तो यहां पे भी तो u के पावर भी लगाना पड़ेगा, तो u के जगह पे y है और भी के जगह पे x है, तो सवाल बोलता है कि u के पावर भी का u के पावर भी लिखो, तो हम यहां लिख दीजिए y के पावर x फिर ब्रैकेट भी बाई यू, तो यहां हो जाएगा x बाई यू, यू का डिफरेंशिएशन यानी कि dy वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग u, तो यहां लॉग y डी भी बाई डी एक्स डी एक्स बाई dx बराबर कितना 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब चूंकि प्यारे छात्रों dy by dx का मान निकालना है तो जहां जहां dy by dx है वहां से हमें कॉमन करना होगा, इसके लिए काम क्या करना होगा कि हमको एक तरफ पहले डिफरेंशिएशन करके लिखना होगा, जैसे x के पावर y है इसको छोड़ देंगे, dx by dx का मान कितना होता है 1 और 1 को y by x से गुना करेंगे तो y by x प्लस यहां हो जाएगा इसको तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे log x और dy by dx को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि dy by dx का तो ही मान निकालना है डिफरेंशिएशन करना है प्लस y के पावर x x by y इसको dy by dx को वैसे ही छोड़ देंगे प्लस log y क्योंकि dx by dx का वैल्यू कितना होता है 1। इस तरीके से अब प्यारे छात्रों चूंकि हमको dy by dx का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लिया ये तो बाहर है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो हमें dy by dx का मान तभी निकलेगा
डिफ्रेंसिएशन तभी निकलेगा जब dy बाय dx को एक तरफ कर लेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं कि dy बाय dx जितना भी है उसको कॉमन करते हैं, तो कॉमन करने के लिए सबसे पहले इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x के पावर y इंटू y बाय x, फिर इसी को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस x के पावर y इंटू log x इंटू dy बाय dx, ठीक है, प्लस अब इसको इससे गुना करेंगे तो y के पावर x इंटू ax बटा y इंटू dy बाय dx, प्लस अब इसी को इससे गुना करेंगे तो y के पावर x log y बराबर जीरो। अब आप देखिए कि हमें dy बाय dx का मान निकालना है, तो dy बाय dx है कहां, तो dy बाय dx एक यहां है देख पा रहे होंगे और एक यहां है, और बाकी में तो कहीं नहीं है, तो बाकी में जब कहीं नहीं है तो इसको राइट साइड भेजेंगे, और यहां से dy बाय dx जब कॉमन लेंगे, dy बाय dx इधर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां बचेगा x के पावर y log x, और यहां पे dy बाय dx बाहर कर लिए तो यहां पे बच रहा है y के पावर x x बाय y, राइट। और जब हम बाकी को इधर ले गए तो ये भी बन गया उधर माइनस में कितना, माइनस x के पावर y y बाय x, और इसको भी जब उधर ले गए तो माइनस y के पावर x log y। तो कुल मिलाकर अब हम ये लिख सकते हैं कि ये जो dy बाय dx का मान तभी निकलेगा जब ये कहां चला जाएगा, नीचे, यूं बोले तो इसके नीचे डिवाइड में। तो हम लोग अब जो आंसर करेंगे, अब हम लोग फाइनल आंसर कर लेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन आ गया इतना, यानी कि माइनस को हम कॉमन कर सकते हैं, माइनस को कॉमन करेंगे तो x के पावर y इंटू y बाय x, प्लस माइनस को हम बाहर कर लिए हैं y के पावर x log y, और बटा ये चीज कहां चला जाएगा, भागा में, तो भागा में आएगा तो x के पावर y log x प्लस y के पावर x x बाय y। तो इस तरीके से हम लोग का डिफरेंशिएशन आ चुका है। जरा आंसर देख लेते हैं कि ये 11 का आंसर क्या दिया हुआ है, तो 11 का जो आंसर दिया है, सॉरी 12 है ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये हम लोग का सवाल नंबर 12 है, तो 12 में आंसर y x के पावर y माइनस वन और y के पावर x log y और x के पावर y सॉरी हाँ x के पावर y log x y के पावर x माइनस टू, हाँ तो बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है जरा दिखाते हैं कि कैसे दिया है। ये जो आंसर है ना, यहां तक भी छोड़ सकते हैं प्यारे छात्रों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का आंसर ऐसे किया है, माइनस को तो माइनस बाहर रखा है, और ऊपर वाला देखिए, यहां जब भी डिवाइड में रहता है, जैसे x के पावर यहां y बन जा रहा है, x के पावर यहां 1 बन जा रहा है, तो हम घात को घटा देते हैं। जब आधार सेम है तो यहां लिख सकते हैं x के पावर y माइनस 1 और इंटू क्या y, इसको लिख सकते हैं प्लस y के पावर x, यहां लिख देंगे log y, ठीक है। और नीचे जो लिखा है वो इसको वैसे ही लिख दिया है, x के पावर y log x प्लस, अब यहां पे क्या किया कि y के पावर यहां x है और यहां y के पावर 1 है, और ये x तो गुना में है तो x को पहले लिख दिया, और ये दोनों सेम सेम आधार था तो y के पावर x माइनस 1 कर दिया। तो कुल मिलाकर हमको ये आंसर दिया है, तो आप यहां तक भी छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 से लेकर 15 तक के सवाल में प्यारे छात्रों समीकरण दिया है, तो समीकरण जब दिया है तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगर जो फार्मूला पे है फार्मूला पे तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद गुना कर लेंगे, जैसे कि हम लोग बारी बारी से गुना किए, गुना करने के बाद जहां भी dy बाय dx वाला जो जो भी पार्ट होगा उसको बाएं तरफ कर लेना है, और जिसमें dy बाय dx नहीं रहेगा उसको राइट साइड भेज देंगे, और फिर dy बाय dx कॉमन कर लेंगे, और इस तरह से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो 12 नंबर क्वेश्चन है वैसे ही 13 नंबर भी है, वैसे ही 14 नंबर भी है, यानी कि 12 जैसे बनाए 13 और 14,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल जैसे हम 12 बनाए हैं वैसे ही आप 13 नंबर भी ट्राई करेंगे एंड 14 नंबर भी वैसे ही ट्राई करेंगे। यानी कि दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जहां भी डीवाई बाई डी एक्स आएगा उसको कॉमन कर लीजिएगा। हालांकि बड़ा तो होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से कीजिएगा, रूल नियम को फॉलो करके कीजिएगा, चैन रूल जहां इस्तेमाल होगा चैन रूल कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 13 और 14 खुद से करना है। और हम आते हैं 15 नंबर सवाल पे। जरा 15 नंबर सवाल को देखिए कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि 12 से लेकर 15 तक के सवाल में बोला है कि डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालिए, हालांकि सब में समीकरण दिया है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, 15 नंबर ये बोल रहे हैं कि एक्स वाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई, एक्स वाई बराबर ई के पावर में है एक्स माइनस वाई। प्यारे छात्रों देख रहे होंगे क्वेश्चन कि एक्स वाई का वैल्यू एक्स वाई बराबर, यानी कि एक समीकरण है, एक्स वाई बराबर क्या, तो ई के पावर एक्स माइनस वाई। अब इसको हमको डिफ्रेंसिएट करना है, इसको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसको जब भी डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे उसके नीचे, चूंकि समीकरण है तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ। तो इधर अगर डिफ्रेंसिएट करेंगे तो क्या बनेगा प्यारे छात्रों, वो जरा समझिए, डी एक्स वाई को डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, डी ई के पावर एक्स माइनस वाई को रिस्पेक्ट में डी एक्स के रिस्पेक्ट में। जरा आप समझिए कि इसको कौन से फार्मूला पे तोड़ेंगे, पता लग गया ना, यू इंटू वी पे। क्यों, क्योंकि दोनों चर मान है, पीछे का मान है। जैसे अल्फाबेट में जब शुरू का रहेगा ए बी सी ए सब रहेगा तो उसको कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन अल्फाबेट का लास्ट लेटर रहेगा ए एक्स वाई जेड उसको चर मान माना जाता है, मतलब कि वो कांस्टेंट नहीं है। बहुत सारे छात्र हम बार बार बोल रहे एक्स को लोग बाहर निकाल देते हैं, कभी नहीं, क्योंकि यहां पे बाहर बाहर कब निकलता है, जब कांस्टेंट रहता है तब ना। यहां तो गुना वाला फार्मूला आएगा, यू इंटू वी का फार्मूला। क्या होता है यू इंटू वी का फार्मूला, यू को बाहर करो, वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी को बाहर करो, यू का डिफरेंशिएशन बराबर, इसका तो हो गया ना भाई बराबर। अब डी ई के पावर में एक्स माइनस वाई है तो चैन रूल, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कब होगा, जब e के पावर में है, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन प्यारे छात्रों e के पावर x होता है, लेकिन कब होता है, जब नीचे x रहता है तब ना, तो इसलिए नीचे लिख दिए x माइनस वाई, और नीचे वाला कहां चला गया, ऊपर x माइनस वाई बटा dx, इस तरीके से। तो यहां पे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस, यहां सिर्फ y लिख देंगे क्योंकि dx by dx का तो वैल्यू 1, और यहां e के पावर x का x के रिस्पेक्ट में e के पावर x होता है तो इसका हो जाएगा e के पावर x माइनस वाई इंटू। अब इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक बनेगा dx by dx, उसका वैल्यू हो गया 1, और माइनस एक तोड़ेंगे dy by dx, तो dy by dx का dy by dx रहेगा। तो इस तरीके से इसका जो हम लोग तोड़ेंगे वो ब्रैकेट में होगा, इसका मतलब इसको भी गुना करेंगे इसको भी गुना करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग डीवाई बाई डी एक्स इसके आगे का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहां क्या बन रहा है अभी फिलहाल, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको अगर 1 से गुना करेंगे तो वही होगा एक्स माइनस वाई, माइनस इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा e के पावर x माइनस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, ये दिया हुआ है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां डीवाई बाई डी एक्स है तो एक डीवाई बाई डी एक्स यहां दिख रहा है और एक डीवाई बाई डी एक्स यहां दिख रहा है, तो दोनों को एक तरफ ला देंगे, तो ये तो ax dy by dx ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा e के पावर x माइनस वाई dy by dx बराबर, ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि ई के पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। अब यहां से हम लोग को डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो डीवाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन, तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहां हो जाएगा एक्स प्लस यहां हो जाएगा ई के पावर
एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। अब चलिए बिल्कुल सही, अब हम लोग को डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डीएक्स निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए dy बाय dx बराबर क्या होगा तो इसके बट्टा में हो जाएगा यानी कि e के पावर x माइनस वाई माइनस वाई बट्टा ax प्लस e के पावर x माइनस वाई। तो इस तरीके से हम लोग को ये आंसर आ गया है। जरा देखते हैं कि 15 नंबर में क्या आंसर दिया हुआ है। तो 15 नंबर में थोड़ा सा आंसर आपको अलग टाइप का मिल रहा है, e तो है ही नहीं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, यहां तक भी छोड़ेंगे आंसर प्यारे छात्रों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा बुक के आंसर को मैच करते हैं। चलिए अब यहां तक तो डीवाई बाई डीएक्स निकल गया हम लोग का, लेकिन सवाल में इतना का वैल्यू नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इन क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला कि एक्स वाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस वाई, ये सवाल बोला, यानी कि जहां भी e के पावर x माइनस वाई है वहां हम एक्स वाई रख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। ये कहां पे बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है। इसलिए अब जो बुक का आंसर दिया है वो e के पावर x माइनस वाई के जगह पे एक्स वाई रख देना है, माइनस वाई बटा x का x छोड़ देना है प्लस e के पावर x माइनस वाई। तो सवाल क्या बोला कि e के पावर x माइनस वाई जो है वो एक्स वाई के बराबर है तो एक्स वाई रख देंगे। यानी कि जब कभी भी आंसर अगर मैच नहीं करता है तो आप हड़बड़ाए नहीं प्यारे छात्रों, आप उसको जरा गौर से देखिए कि आखिर ये चीज कैसे दिया है। जैसे कि हम इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं लेकिन हमें भी याद नहीं रहता है कि इसको करना क्या, इसलिए हम इतना पे तो आंसर ला दिए। अब जरा जैसे ही आंसर पलटते हैं ना तो पता चल जाता है कि क्या किया होगा, राइट। इसीलिए आप अपने तरीके से जो आंसर लाइए उस पर भरोसा कीजिए, उसके बाद अगर बुक का आंसर देखते हैं तो आप वहां पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके का पुट किया है। अब यहां पे अब आंसर कैसे दिया है तो y y को कॉमन कर लिया तो यहां हो जाएगा x माइनस वन, यहां से x x को कॉमन कर लिया तो यहां हो जाएगा वन प्लस वाई। तो इस तरीके से हमको इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल आप उसको सोचिए कि आखिर वो कैसे दे सकता है। देख रहे हैं कहां से दिमाग लगा दिया कि क्वेश्चन में चूंकि इतना के जगह पे इतना सवाल में दिया था बराबर, इसलिए इतना के जगह पे इतना रखेंगे तो ये आंसर आ गया, हालांकि इतना पे भी आंसर हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से 15 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए। प्यारे छात्रों जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप उसको दिन रात एक कीजिए कि हमको क्यों नहीं आंसर आएगा, आखिर हम क्यों पीछे हैं, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल एक बार गलत हो, दो बार गलत हो, तीन बार गलत हो, गलती करो, गलती करने से आदमी सीखता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम आपको सब कुछ आ जाता है, ये जो चीजें है ना हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, भाई ऐसा है ना तो ऐसा करो। अब आपको ये रास्ता खुद पे चलना पड़ेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन छोड़ रहे ना आप मरते दम तक उसमें आप एकदम अपना दिमाग खपा दो, क्यों नहीं मेरे से बनेगा, राइट। तो जो क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं 15 तक के क्वेश्चन करते करते में जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं आप उसको बिल्कुल आप नहीं छोड़िए, हम छोड़े हैं आपके लिए और आप कभी नहीं छोड़िएगा ऐसा मुझे उम्मीद है। और बिल्कुल आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जो क्वेश्चन अगर आपको बन भी जा रहा है तो पीछे वाले एक्सरसाइज को हमेशा बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, पागल हो जाइए पढ़ने में, हमेशा आगे निकलिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम क्लास को एंड करते हैं। अब अगले क्लास में चूंकि आगे भी बहुत सारे सवाल बच रहे हैं, अभी हम लोग 5.5 में टोटल अगर क्वेश्चन का बात करें तो 18 क्वेश्चन है, हम लोग 15 तक के क्वेश्चन को कर लिए हैं, अब 16, 17, 18 तो अगले क्लास में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद आपका।